सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के हरियरगंज के मेन रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल सह कोविड सेंटर की बिजली को विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा रविवार को काट दी गई। इससे हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के भी कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गया। वहीं वेंटिलेटर पर चल रहे एक मरीज को तत्काल MMCH मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में हॉस्पिटल के संचालक सह चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे बगैर पूर्व सूचना दिए हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल की बिजली काट दी गई। उस समय एक मरीज वेंटिलेटर पर था जिसे तत्काल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। वहीं आधा दर्जन से अधिक मरीजों को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने के लिए प्रखंड में यह एकमात्र संस्थान है जिसमें लगभग 7 माह से आयुष्मान भारत द्वारा किए गए इलाज का भुगतान अभी नहीं मिला है। इस हॉस्पिटल से कोरोना काल में अनेक लोगों का इलाज भी किया गया, साथ ही कई लोग कोरोना संकट से ठीक भी हुए। उन्होंने कहा कि अगर बिजली बिल बकाया है तो उसका भुगतान किया जाएगा, परंतु आपात स्थिति वाले संस्थान में बगैर सूचना दिए बिजली काट देना घोर निंदनीय है। हरियरगंज से कृष्णा की रिपोर्ट।